में भी काफी परेशानी होती है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हल्का सा दर्द शुरू होता है और हम गौर नहीं करते हैं, और गौर ना करने से अक्सर ये दर्द काफी बढ़ जाता है। किन वजह से ये दर्द होता है, सही तरीके से इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं और हमें बाद में काफी परेशानी होती है जो कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो अपने कमर दर्द को नज़रअंदाज ना करें, अगर दर्द है तो उस दर्द से निजात पाने की कोशिश करें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आज हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में डॉक्टर हमें बताएंगे। तो आपको भी अगर कमर दर्द से परेशानी है और ये दर्द आपका खत्म नहीं हो रहा है और काफ़ी सारी परेशानियां इसकी वजह से आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0114321 4321। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से जान सकते हैं अपने कमर दर्द से होने वाली परेशानी से कैसे आपको समाधान मिल सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सौरभ गर्ग मौजूद हैं। डॉक्टर, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। थैंक यू वेरी मच। पेन यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, जो कि हमें बताएंगे कि कमर दर्द से किस तरीके से निजात यहाँ मिल सकता है। डॉक्टर, काफ़ी भागदौड़ बड़ी बड़ी हमारी लाइफ हो गई है, हमारे बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं होता या फिर हम सही तरीके से रिलैक्स नहीं करते तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो अक्सर ये होता है कि हमें कमर में जब दर्द होता है तो हम बहुत हल्के में उसको लेकर चले जाते हैं और बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर जो पेन होता है हमें कमर पे, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको हल्के में बिल्कुल ले आना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो कमर दर्द होता है ये एक आपकी बॉडी का सिग्नल है आपके लिए, एंड इट इज़ अ अलार्मिंग सिग्नल कि अब आपको सचेत होना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, आपको अपना खाना पीना रहन सहन अपना काम का जो वर्कलोड है स्ट्रेस है इन सबको आपको मैनेज करने का टाइम आ गया है। जनरली कमर दर्द जो होता है अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारणों से होता है। जो हमें आजकल जो नई चीज़ देखने मिल रही है कि छोटे बच्चों में या फिर यंग जनरेशन में जो दर्द है उसका जो कारण है वो जनरली न्यूट्रिशन से लेके या फिर अपने वर्क प्रोफाइल की रिलेशनशिप और जो आपके बैठने उठने का तरीका है गलत तरीका है उसके कारण है। वहीं जो उम्र थोड़ी सी आगे चलती है जिसमें हम अधेड़ उम्र बोलते हैं या फिर 40 के ऊपर की जो उम्र होती है उसमें जनरली आपका डिस्क रिलेटेड इश्यूज और उसके अलावा आपकी जो मसल्स की डीजनरेशन होती है जो कि कसरत या व्यायाम ना करने के कारण होती है उसके कारण इश्यूज आते हैं। अगर हम देखेंगे तो टेस्ट किए जाए अगर MRI तो 40 के बाद हर किसी की स्पाइन में कोई ना कोई डिस्क रिलेटेड इशू निकलेगा, लेकिन हर किसी को दर्द नहीं होता। दर्द होता है आपकी खुद के कारण क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है। बिल्कुल, तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको अपने दर्द से निजात पाइए यहाँ चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम अगर इस तरीके से देखें तो काफ़ी भागदौड़, अगर छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल उनकी भी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर डॉक्टर ये देखने को मिलता है कि टाइम शेड्यूलिंग काफ़ी चेंज हो गई है, घंटों यहाँ पर सिस्टम के सामने बैठे रहना या फिर फ़ोन में अपने बिजी रहना, उसकी वजह से भी देखा जाए तो कमर दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी यहाँ पर बढ़ रही है लोगों में। बिल्कुल, जनरली पहले हमारे जो दादा होते थे या हमारे पिताजी भी जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें ये कमर का दर्द और गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहीं आज की डेट में आप 20-25 से एज ग्रुप से जहां से आप देखना शुरू करेंगे आपको सर्वाइकल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेंगे। उसका कारण है आपके मोबाइल की हैंडलिंग। लोग काफ़ी समय तक व्हाट्सएप फेसबुक या दूसरे सोशल मीडियाज या अपने एंटरटेनमेंट के लिए फोन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जी। उसमें उन्होंने एक तरीका ये रखा हुआ होता है कि वो हाथ नीचे रखते हैं और सर को झुका के उसमें देख रहे होते हैं। जब भी आप अपना सर झुकाते हैं तो एवरी 1 डिग्री आपके नेक की जो मसल्स होती हैं उस पर करीब 3 किलो का एक्स्ट्रा भार पड़ता है। तो आप सोचिए जब आप 10 डिग्री के आसपास घुमा लेते हैं तो आप करीब 30-35 किलो वजन अपने सर के ऊपर एक्स्ट्रा रख के रखे होते हैं। तो सही तरीका यह है कि आप मोबाइल को आप ऊपर उठाएं, आंख के लेवल पे रखें और फिर आप उसको आगे यूज करें। तो डॉक्टर ने हमें जो यहाँ बताया है आप भी उस तरीके से अपने मोबाइल को यूज़ करिए, क्योंकि फिर आप भी आगे जाके काफ़ी परेशानियों से जो है सामना कर सकते हैं। आपको बैक पेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन आपका काफ़ी यहाँ पर जो है बढ़ सकता है, कमर के दर्द में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर रहें और इस तरीके से अगर आपकी जो शेड्यूलिंग है या लाइफस्टाइल है तो थोड़ा उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर, हम साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कमर दर्द जिसकी हम बात कर रहे हैं खासकर कितने तरह की होती है और किस वजह से बहुत ज्यादा होती है। ओके, किसी भी कमर दर्द के कारण होता है उसका आपकी बॉडी के अंदर होने वाला प्रभाव।
ये प्रभाव अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो काफ़ी सारे हमारे टिश्यूज़ होते हैं। पहला हो गया हमारा बोन, जो कि हमारे बॉडी को पूरा शेप स्ट्रक्चर देता है। अगर बोन में कहीं पे भी कोई चेंजेस आए हैं, भले ही उनका घनत्व यानी कि डेंसिटी कम हो गई, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, वो हुआ, या फिर कोई बोन कोलैप्स हो गई, या फिर जो हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो कुशन इफेक्ट होता है डिस्क का, वो कम हो गया और डिस्क बाहर निकल के नर्व को दबा रही है, इस कारण से भी बोन से रिलेटेड पेन होते हैं। कई बार उनमें कुछ छोटे फ्रैक्चर्स भी होते हैं। दूसरा एक कारण होता है हमारी नसें। जब भी हमारी नसें बाहर निकल रही होती है बोन के पास से और बोन में कोई दिक्कत है या नसों में कोई दिक्कत आती है, तो बोन का कोई हिस्सा या डिस्क का कोई हिस्सा उन नसों को दबा रहा होता है, जो कि एक प्रेशर इफेक्ट करता है और उसके कारण नसों को पूरा दर्द होता है। जी। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां हमारी बोन से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं और हमें चलने फिरने और किसी भी मूवमेंट में मदद करती हैं, और इन्हीं मांसपेशियों के रास्ते से जितनी भी नसें होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से निकल के उस जगह तक जाती हैं। जैसे अगर मेरे हाथ की उंगली है तो वो रीढ़ की हड्डी से निकल के हाथ की उंगली तक जो नस जाएगी वो मांसपेशियों के रास्ते से ही जाएगी। जी। इस पूरे रास्ते में अगर मांसपेशियां कहीं पे भी उनमें ऐठन है, कोई सूजन है या कोई तकलीफ है, तो वो पूरे हाथ में या पूरी नसों के रीजन में इस चीज को दर्द फैलाएगी। इट इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिकल वायर इन योर हाउस। तो यहाँ पर डॉक्टर सौरभ गर्ग ने बताया कि आपके कमर दर्द के क्या क्या यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं जिन वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके कमर दर्द को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता। हम इसे सोचते हैं कि नॉर्मली हम कहीं उठ बैठ रहे थे, हल्की सी चोट लग गई या फिर हमारा सोने का पॉस्चर सही नहीं था, इस वजह से हमें यहाँ पर कमर दर्द हो रहा है, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। डॉक्टर सौरभ गर्ग, आपने बताया कि इतने तरीके की चीजें होती हैं, मतलब इस तरीके के दर्द होते हैं कमर दर्द के काफी सारे यहाँ पर, तो इनके लिए क्या कुछ जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए इस तरह की चीजें हम फेस कर रहे हैं, कोई भी जिसे इस तरह की पेन हो रहा हो, इस पर आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में। पिंकी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, आप पूछ सकती हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। हेलो जी पिंकी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, कमर की नसें दबी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी की जी, और दो दोनों तरफ जो जोड़ हैं उन जोड़ों में भी दर्द है, उनकी वजह से घुटनों में भी दर्द हो गया है। ठीक है पिंकी जी, आपकी उम्र क्या होगी? 33 साल। 33 साल। देखिए, ये आपकी इस कम उम्र में इतना दर्द होना एक आम बात नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हो, आपने आपकी नसें दबी हुई हैं, क्या आपने इसके लिए कोई MRI टेस्ट कराया हुआ है? पिंकी जी, आप सुन सकते हैं? डॉक्टर शायद कॉल उनकी कट हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर पिंकी ने बताई है उसका भी बिल्कुल क्या कुछ सलूशन। बिल्कुल, ऐसे हमारे पास काफी मरीज होते हैं जिनके पास ये जानकारी होती है कि या तो उनकी नस दबी हुई है या डिस्क बाहर निकली हुई है। मैं आप लोग को बस यही समझाना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हर पेशेंट को इन सारी चीज़ों के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि सिर्फ 5% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी नस दबी हुई होती है जिनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। बाकी 95% पेशेंट्स या तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं या उनको थोड़ी बहुत दवाई का सेवन करना पड़ता है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। जी, उनमें से भी कुछ बहुत छोटा पोर्शन ऐसा होता है जिनको कोई छोटे मोटे उपचार की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम एडवांस इंटरवेंशंस बोलते हैं। इसमें हम रीढ़ की हड्डी के पास जाते हैं और उस नस को बिना किसी चीरे के, बिना किसी ऑपरेशन के, उन नसों को खोला जा सकता है। ये बहुत ही सरल और सिंपल सा तरीका है और आपको उसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने नियरेस्ट किसी दर्द रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उनसे एक बार सलाह करें। आपका मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग कर रहा हूं कि आपको बिना किसी ऑपरेशन के इसका इलाज मिल जाएगा। पिंकी, बिल्कुल अपने डॉक्टर से अच्छे कंसल्ट करें, जिनको जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरी बीमारी से आप निजात पा सकती है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गर्ग मौजूद हैं, जिन्होंने खुद बताया आपको कि किस तरीके से प्रॉब्लम होती है और सोल्यूशन इसका क्या कुछ है। हमारे साथ एक और कॉलर विजेंद्र जुड़ चुके हैं भिवानी से इस वक्त। विजेंद्र, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार। 10 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हुआ था जी। अब सर मेरे को काफी उठने बैठने में काफी प्रॉब्लम है।
बिल्कुल विजेंद्र, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गर्ग मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि जो आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशन है। विजेंद्र जी, ऐसा है कि चिकनगुनिया का जो दर्द होता है वो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। इसमें जोड़ों की जो पानी होता है, जो पानी बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, उनमें थोड़ी सी सूजन आ जाती है। जनरली इसका जो इलाज होता है वो आपको अपने जो आपकी डाइट है आप उसको बेहतर करें, थोड़े से मल्टीविटामिन लें, थोड़े से मिनरल्स के कैप्सूल लें। ये आपको बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, करीब एक महीने का कोर्स आपके लिए काफ़ी रहेगा। दवाई जो दर्द के लिए है उसमें सिर्फ पैरासिटामोल का ही सेवन करें, उससे ज़्यादा किसी दूसरी दवाई पे ना जाएं, क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान करेंगी। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आराम करेगी वो है हल्की फुल्की कसरतें। आपको अपनी मांसपेशियों को खिंचाव करना है, जॉइंट्स की पूरी मोबिलिटी रखनी है। जितना ज्यादा आप कसरतों से बचेंगे उतना ज्यादा आपका दर्द और जोड़ दोनों ही खराब होते जाएंगे। तो विजेंद्र, डॉक्टर ने आपको जो कुछ बताया आप उसको फॉलो करें, आपको बहुत ही जल्दी अपनी प्रॉब्लम से सर यहाँ पर निजात मिल पाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके इस वक्त, दीपक भिवानी से। दीपक, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते दीपक, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम मेरी मदर को ना कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रात को तो सोते हैं तो करवट लेते हैं तो बहुत दर्द होता है। दीपक, कितने वक्त से ये पेन हो रहा है जाना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर को आप पूरी यहाँ पर डिटेल्स देंगे तभी वो आपको बता पाएंगे कि किस तरह की समस्या और कैसे से निजात मिल सकता है। मैडम 5-4 साल से दर्द है जी, डॉक्टर को दिखाए तो कुछ उनको वो बता भी है अच्छी तरह से। सॉरी विजेंद्र जी, मैं सुन नहीं पाया हूँ। उन्हें 5-6 साल से काफी प्रॉब्लम है, कमर में काफी दर्द होता है, वो सोने वोने में काफी उनको दिक्कत अच्छा। होती है। सबसे पहले तो विजेंद्र जी, जब रात को सोते हैं तो करवट लेते हैं तो पेन होता है बहुत ज्यादा जी। ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं मैं जो चीज समझाऊं वो ये है कि जनरली वो एक पोजीशन में जब सोते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही करवट बदलते हैं उनको एक तेज दर्द उठता है। ये जो एक बीमारी का जो संकेत है ये समझाता है कि आपकी माताजी की मांसपेशियों में काफ़ी कमजोरी है। जनरली हम इनको अपनी भाषा में ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, जो हमारी पीठ की जो मांसपेशियां होती हैं, कमर की पीठ की मांसपेशियां, उनमें छोटी छोटी गठानें बन जाती हैं, सूजन आ जाती है। और जब भी ये मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब हम करवट लेते हैं, तो ये बहुत तेज दर्द तीखा दर्द करती हैं। आप अभी एक काम करिए, कुछ समय के लिए माताजी की एक बर्फ से सिकाई शुरू करिए, दिन में कम से कम 4 से 5 बार करें, और एक बार जो सिकाई होगी वो करीब 7 से 8 मिनट के लिए ही करें। इसके साथ एक पैरासिटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, और एक जो भी आपके पास में एक दर्द रोग विशेषज्ञ मिले उनसे जरूर मिलें। तो दीपक, इन चीजों को आप फॉलो करिए, आपकी माता जी को जल्द ही यहाँ पर समस्या समाधान जो है मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करें कमर दर्द को लेकर, आगे भी यहाँ पर चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर से और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कमर दर्द की क्या वजह है, किन चीजों को हमें यहाँ पर परहेज इस वक्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में। डॉक्टर सौरभ गर्ग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम बात कर रहे हैं कमर दर्द को लेकर। तो हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, जहां डॉक्टर सौरभ गर्ग उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से कमर दर्द से या आप परेशान हैं तो कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0114321 4321। इस नंबर पर फोन कर आप जानकारी ले सकते हैं अपने साथ हो रहे कमर दर्द से परेशानी जो लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे उसका आप यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर सौरभ गर्ग ने हमें बताया कि कमर दर्द के क्या क्या यहाँ पर रीजन है, कितने प्रकार के यहाँ पर कमर दर्द होते हैं और उनसे कैसे निजात यहाँ पर लिया जा सकता है। डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पर और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कई बार होता है कि हमें काफी लंबे वक्त से कमर दर्द से परेशानी होती है, हम एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं, अक्सर पेन किलर हमें देते हैं या फिर पेन इंजेक्शन हमें मिलता है कि उससे जल्दी रिलीफ मिल जाए, या एक दो ऐसे कुछ वो हमें घरेलू नुस्खे बताते हैं कि जिसे हम फॉलो करें तो काफी यहाँ पर आराम मिलेगा। लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर्स हमें सर्जरी करने का सजेशन देते हैं कि आप सर्जरी करा लें तो शायद आपका पेन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या हमें सर्जरी कराना चाहिए कमर दर्द के कंडीशन में? देखिए, सर्जरी के अगर हम किताबों की तरफ से जाएं तो देयर आर ओनली 3 कारण है जिसके कारण हमें सर्जरी करानी चाहिए जी। पहला हो गया कि आपके हाथ या पांव में ताकत की कमी महसूस हो रही है। मान लीजिए कि आपके हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप उसको ज़मीन से ऊपर उठा सकें, अगेंस्ट ग्रेविटी उठा पाएं,
ये एक प्योर इंडिकेशन है जिसमें आपको जल्द से जल्द सर्जरी करानी चाहिए जी। दूसरा इंडिकेशन होता है कि आपको मल मूत्र जब त्याग कर रहे हैं उसका पता ही ना चले, आप सो रहे हैं और उतने में हो जाए, इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है और आपको तुरंत एक सर्जरी का ऑप्शन होता है जी। तीसरा होता है कि जब आपका दर्द बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाए और वो आपको एकदम इनकैपेसिटेट कर दे बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही छोटे समय का मतलब होता है सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक में ही, तब एक डाउट होता है कि हाँ इसमें एक सर्जरी ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी लंबे समय के दर्द हैं उसमें मेरा यही सजेशन रहेगा, अपने दर्द रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनके थ्रू आप आगे बढ़ें। मैं आपको ये बोल के बता सकता हूं कि हमारे पास ऐसे काफी मरीज आते हैं जिनका काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिनको सर्जरी के लिए बोला गया लेकिन अब वो बिना सर्जरी के बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, इवन वो आज की डेट में वेट भी उठा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम आगे भी जानेंगे काफी कुछ, क्योंकि आपने जितना कुछ यहाँ पे नॉलेज दिया कि किस तरीके से ये काफी इफेक्टिव भी होता है और किन कंडीशंस में होना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, राजेश, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। राजेश नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैंने MRI कराया था, मेरी कमर में दर्द था जी, तो उसमें L4 L5 में ना 5.5 mm का डिस्क एक्सट्रूशन आया है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके कारण से जो लेफ्ट जो कूलर है उससे नीचे पैर तक दर्द है। अच्छा सर, तो उसका व्यवहार बारे में पूछा था। राजेश जी ये बताइए आपको ये MRI कराए हुए कितना समय हो गया? अभी एक हफ्ते पहले कराए जी। एक हफ्ते पहले, और दर्द कितने समय से है आपको? दर्द डेढ़ एक महीने से। राजेश जी कम था जी, अब ज्यादा हो गया। ठीक है राजेश जी, ऐसा है कि इस वक्त मैं आपको सिर्फ यही बता पाऊंगा कि करीब 6 महीने लगते हैं ये डिस्क अपने आप शरीर में ही एक सूखे पत्ते की तरह हो जाएगी और आपको दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी भी वक्त में आपको दर्द में रहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं जिससे आप अपने कमर दर्द को ठीक करके रख सकते हैं। पहले तो अपने पास में किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, वो आपको कुछ कसरतें सिखाएगा, सिर्फ कसरतें करनी है और किसी मशीन का उपयोग उसमें नहीं करना है। दूसरी चीज, अपने उस कमर के हिस्से की बर्फ से सिकाई करें, 10 मिनट की सिकाई एक बार करें और ऐसा दिन में 4 से 5 बार करें, उससे आपको दर्द में काफी आराम आएगा। तीसरी चीज ये कर सकते हैं आप कि जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जो नुकसान नहीं करने वाली दवाइयां हैं जैसे कि पैरासिटामोल या फिर ट्रेमाडोल, आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए राजेश, आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ पर कैसे होगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर पिंकी कुरुशियत से जुड़ चुकी है। पिंकी स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। कॉल यहाँ पर नहीं हो पाई हमारी, हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कमर दर्द से कैसे उन्हें यहाँ पर निजात मिल सकता है। डॉक्टर आप यहाँ पर बता रहे थे कि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी यहाँ पर सर्जरी की गई और काफी यहाँ पर जो है उसका फायदा मिलता नजर आया है, तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सौरभ गर्ग ने बताया कि कैसे कमर दर्द से यहाँ निजात मिल सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा और इससे काफी फायदा मिलेगा। खाने में परहेज की जरूरत नहीं है और किन कंडीशन में सर्जरी कराई जाती है, तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े और यहाँ पे जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज फिलहाल हमारे डॉक्टर लाइव कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।